अभी सब कुछ ठीक है कि नहीं एक बार कमेंट करके बताओ। अभी सब कुछ ठीक है कि नहीं एक बार कमेंट करके बताओ। साउंड वगैरह सब कुछ ठीक है? साउंड ठीक है तो एक बार कमेंट करके बताओ। तो क्लास को हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। तो देखो मैं पहले से एक बार स्टार्ट करता हूं। क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 में क्या पूछा है? व्हाट इज द नेम ऑफ द कैलिपर हैविंग वन लेग विथ एन एडजस्टेबल डिवाइडर पॉइंट एंड अदर लेग इज बेंड। तो ऐसे कैलिपर को हम क्या बोलते हैं? देखिए एक बार देख लेते हैं हम। देखिए ये है जिस कैलिपर के बारे में बोल रहा हूँ मैं। वो कैलिपर देखने में कुछ ऐसा होता है, ठीक है? एंड ए कैलिपर का नाम क्या है? ए कैलिपर का नाम है हर्मेफ्रोडाइट कैलिपर, ऑड लेग कैलिपर, लेग एंड पॉइंट कैलिपर के नाम भी से भी हम इसको पुकारते हैं, ठीक है? तो इसका जो दूसरा नाम है हर्मेफ्रोडाइट कैलिपर, लेग एंड पॉइंट कैलिपर, ऑड लेग कैलिपर, ठीक है, एंड जेनी कैलिपर ऑल्सो। तो इस कैलिपर के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? कोई एज के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करना है तो तब इस कैलिपर का हम इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई राउंड जॉब है उसको सेंटर को आपको निकलना है तो तब भी आप इस कैलिपर को इस्तेमाल कर सकोगे, ठीक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा जेनी कैलिपर। एंड इसके साथ जो दूसरा नाम हम आपको बताया वो भी आपको नोट डाउन करके रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 52 एक बार सभी सब सब कुछ ठीक है ना? सोंदी भाजरा आस्किंग मार्क क्यू, ओके एकदम ओके, ठीक है। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 में पूछा है व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एक्स इन सरफेस गेज। तो देखिए ये जो सरफेस गेज है, ठीक है, ये जो सरफेस गेज है इसमें जिधर में एक्स पॉइंट शो हो रहा है इसका नाम क्या है? तो इसका नेम है स्नैक। ये तो आपका आंसर हो गया है। एंड इसके साथ जो रिलेटेड क्वेश्चन में बताने वाला हूँ वो क्या है? इसके मदद से इसके हेल्प से आप क्या क्या काम कर सकोगे? कोई भी जॉब है उसका हाइट को निकलना है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर हाइट निकल सकोगे तो इसका डायमीटर भी आप निकल सकोगे। कोई ड्राउन जॉब है उसका सेंटर को लोकेट करने के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं ये जो सरफेस गेज है, ठीक है। एंड देखिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 में कॉम्बिनेशन सेट के ऊपर एक क्वेश्चन है। ये जो फिगर आपके सामने है अभी स्क्रीन पर है, ठीक है, मैं एक बार जूम कर लेता हूँ। ये जो फिगर आपके सामने आपका स्क्रीन के ऊपर है, ठीक है, ये एक कॉम्बिनेशन सेट का एक फिगर है। एंड ये जो कॉम्बिनेशन सेट के ऊपर जिधर में एक्स मार्किंग है इसी क्वेश्चन नंबर 53 ये कॉम्बिनेशन सेट के जिधर में एक्स मार्किंग है उसका नाम क्या है? ये आपको क्वेश्चन में पूछा है। इसका आंसर हो जाएगा प्रोटेक्टर हेड, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा प्रोटेक्टर हेड। क्वेश्चन नंबर 54 में हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 54 में पूछा है व्हिच टाइप डेटम इज फॉलोड। इधर में कौन सा डेटम फॉलो हो रहा है? तो देखिए इधर में सभी डेटम, ये जो सभी जो एरो है, ठीक है, देखिए एंड से जो मेजरमेंट है वो लेते हैं, इसलिए इसका जो जो कौन सा डेटम होगा ये एज डेटम होगा। अगर सेंटर का कोई लाइन से अगर मेजरमेंट आगे बढ़ता तो आप सेंटर डेटम, सेंटर लाइन डेटम भी आप बोल सकते हैं। हम मार्किंग करते हैं थ्री टाइप से। एक नंबर है डेटम लाइन मेथड, दूसरा जो पॉइंट है वो है सेंटर लाइन मेथड, एंड तीसरा जो है बाय टेम्पलेट। तो इधर में एज डेटम शो हो रहा है 54 का। क्वेश्चन नंबर 55 में पूछा है
व्हाट इज द नेम ऑफ द पैरेलल ब्लॉक, ये जो आप इमेज दिख रहा है आपका स्क्रीन के ऊपर अभी है, इस पैरेलल ब्लॉक का नेम क्या है? तो इस पैरेलल ब्लॉक पे भालो अच्छे करके देख लीजिए, इस पैरेलल ब्लॉक का नेम है एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक, ठीक है, इस पैरेलल ब्लॉक का नेम है एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 में पूछा है व्हिच मटेरियल इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ग्रेड ए भी ब्लॉक। तो ग्रेड हम जानते हैं भी ब्लॉक दोनों ग्रेड का होता है, ग्रेड ए एंड ग्रेड बी, ठीक है, भी ब्लॉक देखने में कैसा होता है, देखने में ऐसा होता है भी ब्लॉक, भी ब्लॉक देखने में होता है ऐसा। किस काम के लिए इस्तेमाल करते हैं हम भी ब्लॉक को? भी ब्लॉक को हम इस्तेमाल करते हैं राउंड, कोई जॉब है राउंड जॉब को रेस्ट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं भी ब्लॉक, यानी इस भी ब्लॉक दोनों ग्रेड में मार्केट में अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। तो ये जो ग्रेड ए भी ब्लॉक एक इससे बना हुआ होता है हाई क्वालिटी स्टील से, ग्रेड ए भी ब्लॉक जो है वो हाई क्वालिटी स्टील से मैन्युफैक्चरिंग होते हैं मेरा फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57 में पूछा है व्हिच चिजेल इज यूज्ड फॉर रिमूविंग द मटेरियल्स ऑन द कॉर्नर ऑफ द क्यूए। क्यूए की कॉर्नर से अगर कोई मटेरियल को हटाना है, ठीक है, क्यू तो आपको किस चिजेल का इस्तेमाल करना पड़ेगा? देखिए कोई भी कॉर्नर से मटेरियल को रिमूव करना है कोई चिजेल के मदद से, तो तब आपका आंसर लगभग डायमंड चिजेल ही होगा, ठीक है, डायमंड पॉइंट चिजेल ही होगा। तो डायमंड पॉइंट चिजेल से हम वी शेप जो ग्रूव है उसको काटने के लिए भी हम डायमंड पॉइंटेड चिजेल इस्तेमाल करते हैं। क्रॉस कट चिजेल का दूसरा नाम जो है वो है केप चिजेल, क्रॉस कट चिजेल जो क्यूए बनाने में हम इस्तेमाल करते हैं, क्यूए अगर काटना है तो हम इस्तेमाल करते हैं क्रॉस कट चिजेल को। हाफ राउंड चिजेल किस काम के लिए इस्तेमाल करते हैं? बियरिंग के अंदर अगर कोई ऑयल ग्रूव, बियरिंग के अंदर ऑयल ग्रूव अगर हमको काटना है तो हम इस्तेमाल करते हैं हाफ राउंड चिजेल, और हाफ राउंड नोज चिजेल, राउंड नोज चिजेल भी हम इस्तेमाल करते हैं। एंड ज़्यादातर केस में ये जो वो चिजेल है इसका शेप कैसा होता है, ये चिजेल का शेप होता है ऑक्टागोनल शेप, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 में पूछा है व्हिच फाइल इज हैविंग ए रो ऑफ टीथ कट इन वन डायरेक्शन। अगर कोई फाइल आपके ऐसे मिलते हैं जिसके फेस के ऊपर जो रो ऑफ टीथ ऐसे करके वन रो में ड्रॉ होता है तो उस फाइल का होता है नाम क्या? सिंगल कट फाइल। जिसका रो ऑफ टीथ उसका जो एज है एज के साथ एंगल का बनता है इसका 60 डिग्री, ठीक है, एंड सेंटर लाइन से भी 60 डिग्री एंगल होता है। एंड ये जो सिंगल कट फाइल एक काट के हिसाब से फाइल का एक क्लासिफिकेशन, सिंगल कट फाइल जो है वो काट के हिसाब से फाइल का एक क्लासिफिकेशन होता है, एंड कार्व कट फाइल भी क्लास काट के हिसाब से फाइल का एक क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है। डबल कट भी काट के हिसाब से फाइल का एक क्लासिफिकेशन है, एक और भी होता है वो है रास्प कट फाइल। तो काट के हिसाब से फाइल का जो क्लासिफिकेशन है एक तो है सिंगल कट, दूसरा है डबल कट, तीसरा है कार्व कट एंड चौथा है रास्प कट। एंड ये जो सेकेंड कट फाइल एक काट के हिसाब से नहीं एक ग्रेड के ऊपर फाइल का जो क्लासिफिकेशन होता है उसमें आपको देखने को मिलेगा सेकेंड कट फाइल को, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 में पूछा है व्हिच फाइल इज यूज्ड फॉर फाइलिंग वुड एंड लेदर। तो वुड एंड लेदर को आप जब फाइलिंग करेंगे तो आपको उस टाइम इस्तेमाल करना पड़ता है रास्प कट फाइल, जो फाइल दिखने में कुछ ऐसा होता है, इसके ऊपर प्रोजेक्टिंग टीथ रहते हैं, ठीक है, इसके ऊपर प्रोजेक्टिंग टीथ ऐसे करके रहते हैं जो वुड एंड लेदर वर्क के लिए हम इस्तेमाल करते हैं रास्प कट फाइल। इस फाइल का नेम है रास्प कट फाइल, ठीक है, ठीक है कि नहीं मेरा फ्रेंड्स? कैसा लग सकते हैं आप? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ज्यादातर एग्जामिनेशन में आता है एंड आगे भी आएगा ऐसे मेरा ख्याल है, इसीलिए ये जो क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। अगर ये जो क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके बता दीजिए, मेरा ऐप्स में भी इस वीडियो को आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 में पूछा है व्हाई कटिंग फेस ऑफ फाइल इज स्लाइटली बेलिड ऑन लेंथ वाइज। तो कटिंग फेस जो है फाइल का वो लेंथ वाइज जो बेलिड रहते हैं, ठीक है, कॉन्वेक्स रहते हैं, उसका वजह क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60,
इसका वजह क्या है? तो फाइलिंग फ्लैट सरफेस इज मेड इजियर, इसका आंसर हो जाएगा। व्हाई कटिंग सरफेस ऑफ द फ्लाइट इज स्लाइटली बेरी, तो देखिए दूसरा जो ऑप्शन, इसका जो ऑप्शन बी है, फाइलिंग फ्लैट सरफेस इज मेड इजियर, क्योंकि फ्रिक्शन कम होगा, ऑपरेटर का ज्यादा तकलीफ नहीं होगा फाइलिंग करने के लिए, फाइलिंग करने के टाइम फ्रिक्शन कम होगा, ऑपरेटर को ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 61, व्हिच पिच ऑफ ब्लेड इज यूज्ड फॉर कटिंग ब्रोंज एंड ब्रश, तो अगर हैक्सो ब्लेड से आपको ब्रोंज एंड ब्रश को आपको अगर मशीनिंग करना है तो कौन सा पिच का चिजेल को आपको इस्तेमाल करना है, ठीक है, तो उसका आंसर हो जाएगा 1.8 mm एंड 0.8 mm पिच थिन सेक्शन, कोई थिन सेक्शन ट्यूब, जैसे कि थिन सेक्शन जैसे कि ट्यूब, इस ट्यूब को काटने के लिए तब आपको पिच का इस्तेमाल करना पड़ेगा 0.8 mm एंड 1.8 mm आपको ब्रश को, ब्रोंज को काटने के लिए, कास्ट आयरन को काटने के लिए एक्सोबेट के मदद से आपको 1.8 mm का पिच इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। एंड देखिए पिच होता क्या है, मान लीजिए ये जो हेक्सोब्लेड का टीथ है, तो हेक्सोब्लेड का दोनों बाजू वाला जो टीथ है उसका सिमिलर पॉइंट का जो डिस्टेंस है, द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉरेस्पॉन्डिंग सिमिलर पॉइंट, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम पिच बोलते हैं, 61। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62 में पूछा है व्हाट इज हैपन इफ द क्लियरेंस एंगल ऑफ द चिजल इज टू हाई। देखिए इसके बारे में मैं पहला वाला जो क्लास है उसमें भी आपको बताया था, ठीक है, एक बार और बता देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62, तो देखिए इसके अगर कोई आपको एक इमेज दिखा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 100 में उसका इमेज है, तो आपको ज़्यादा अच्छे से आपको याद रहेगा। तो देखिए ए है चीजेल, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूं, तो देखिए ए है चीजेल, ठीक है, पिक्चर क्लियर है ना, तो देखिए एक चीजेल है, ठीक है। एंड चीजेल का फ्रेंड्स ए जो अल्फा जैसे है, ए है इसका क्लियरेंस एंगल, इसका क्लियरेंस एंगल है अल्फा, देखिए इसका ये जो क्लियरेंस एंगल है ए है अल्फा, ठीक है। तो देखिए क्लियरेंस एंगल ज्यादा होने का मतलब क्या है, क्लियरेंस एंगल कब ज्यादा होगा, जब ये चीजेल जो है ऊपर के ओर ज्यादा जाएगा तो क्लियरेंस एंगल ज्यादा होगा। तो ये जो चीजेल है जो जितना परपेंडिकुलर होगा तो उतना ही मेटल के अंदर ज्यादा घुसेगा, और जितना जितना इसका क्लियरेंस एंगल कम होगा तो क्या होगा, ये जॉब का ऊपर लेट जाएगा, ठीक है। तो क्लियरेंस एंगल ज्यादा होने से ये जो चीजेल है जॉब के अंदर ज्यादा पेनिट्रेट होगा, एंड क्लियरेंस एंगल कम होने से ये जॉब के ऊपर से स्लाइड कर जाएगा, ठीक है। तो ये है कॉन्सेप्ट, इसके ऊपर मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो आप क्वेश्चन के पास में चला जाता हूं, क्वेश्चन के पास ये देखिए क्वेश्चन नंबर 63 था, क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62 में पूछा था व्हाट इज हैपन इफ द क्लियरेंस एंगल इज टू हाई, तो क्लियरेंस एंगल अगर ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा मेरा दोस्त, जॉब के अंदर ज्यादा पेनिट्रेट होगा, ठीक है, जॉब के अंदर ज्यादा पेनिट्रेट होगा चीजें। तो क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर क्या हो जाएगा, डिगिंग ऑन द सरफेस, तो सरफेस के ऊपर ज्यादा डिगिंग ज्यादा पेनिट्रेट होगा, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 63 में पूछा है, क्वेश्चन नंबर 63 में पूछा है व्हिच टाइप ऑफ हैमर इज यूज्ड फॉर रिवेटिंग पर्पस, ठीक है। तो देखिए रिवेटिंग पर्पस के लिए ज्यादातर हम बॉल पिन हैमर को इस्तेमाल कर जो स्प्रेड करने के लिए, एंड देखिए इससे आपको जो रिलेटेड क्वेश्चन आपको नोट डाउन करना पड़ेगा, ये जो रिवेट जो मैन्युफैक्चर होता है वो कौन सा मटेरियल से मैन्युफैक्चर होता है, डक्टाइल मटेरियल से मैन्युफैक्चर होता है, क्योंकि बॉल पिन हैमर से आप करोगे क्या, बॉल पिन हैमर से आप जो रिवेट का जो शैंक है उसको आपको स्प्रेड करना पड़ेगा, ठीक है। तो स्प्रेड तभी होगा जो जब डक्टाइल मटेरियल से मैन्युफैक्चर होगा, ठीक है। तो रिवेट को स्प्रेड करने के लिए आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा बॉल पिन हैमर को, एंड ये जो बॉल पिन हैमर है ये है करके हम हैमर को थ्री टाइप्स क्लासिफाई करते हैं, जैसे कि बॉल पिन हैमर,
दूसरा है क्रॉस पिन है हमारा, तीसरा है स्ट्रेट पिन है हमारा। क्रॉस पिन हमारा हम किस काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, मेटल को अगर वन डायरेक्शन में स्प्रेड करना है तो तब हम इस्तेमाल करते हैं क्रॉस पिन हमारे को। एंड स्ट्रेट पिन हमारा हम किस काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, स्ट्रेट पिन हमारा हम कोई कॉर्नर अगर कोई जॉब है, जॉब को कॉर्नर को आपको हैमरिंग करना है तो तब आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा स्ट्रेट पिन हमारे को। एंड स्लेज हमारा, स्लेज हमारे जो कौन से शॉप में स्लेज हमारे हम इस्तेमाल करते हैं, फोर्जिंग शॉप, तो फोर्जिंग शॉप में आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा स्लेज हमारा, जिसका वेट होता है 6 से लेकर 10 kg तक। ठीक है, जिसका वेट होता है 6 से लेकर 10 kg तक। तो ये जो रिलेटेड क्वेश्चन में आपको बताया वो आपको नोट डाउन जरूर करना पड़ेगा। आप रिलेटेड क्वेश्चन नोट डाउन कर रहे हैं कि नहीं, एक बार कमेंट करके बताइए। रिलेटेड क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन हर क्वेश्चन के साथ जो रिलेटेड क्वेश्चन है, ये आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन को अच्छे तरफ से याद करने में हेल्प करेगा। एंड रिलेटेड क्वेश्चन भी से भी आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बैंक प्रिपेयर कीजिए। एंड मैं कोशिश करूंगा आपका जो क्वेश्चन बैंक प्रिपेयर करके मेरा ऐप्स में देने के लिए, जैसे कि आप डेमो दे सकते हैं। आप मैं क्वेश्चन बैंक प्रिपेयर कर रहा हूँ, ठीक है, लोको पायलट का प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आ रहा है उसके ऊपर मेरा फ्री टेस्ट, मेरा फ्री मटेरियल जो है उसमें अवेलेबल है। मेरा जो ऐप्स है उसका नाम है टेक बुक। आप गूगल प्ले स्टोर में जाके टेक बुक करके सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा मेरा ऐप्स को। उसी ऐप्स में कुछ फ्री कंटेंट पे है, तो फ्री कंटेंट में जाके आपको जो रेलवे लोको पायलट का फिटर का जो प्रीवियस ईयर जो टेस्ट है उसको आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर में पूछा है व्हिच इज व्हाट इज द यूनिट ऑफ द कटिंग स्पीड इन द ड्रिलिंग ऑपरेशन। ऑपरेशन में कटिंग स्पीड का यूनिट क्या है, स्पीड। देखिए ये जो ट्विस्ट ड्रिल है कौन सा मटेरियल से मैन्युफैक्चर होता है, ट्विस्ट ड्रिल HSS, हाई स्पीड स्टील एंड ऑल्सो हाई कार्बन स्टील। HSS से भी मैन्युफैक्चर होता है, हाई कार्बन स्टील से भी मैन्युफैक्चर होता है। ठीक है, एंड ये जो ग्राफिक्स आपको इधर में शो हो रहा है ये है ट्विस्ट ड्रिल का। तो ट्विस्ट ड्रिल का मैं कल जो प्रीवियस जो क्लास हुआ था उसमें भी आपको बताया था। तो इस पोर्शन को क्या बोलते हैं, उस पोर्शन को बोलते हैं लीप बोलते हैं। इस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, इस पोर्शन को हम बोलते हैं ट्विस्ट ड्रिल का लीप बोलते हैं। तो ये दोनों लीप अगर कोई पॉइंट के ऊपर प्रोजेक्ट होता है तो उसमें क्या एंगल बनता है, उसमें जो एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं पॉइंट एंगल। जैसे कि ये दोनों लीप, इस जो लीप है ए भी करके जो शेप है इसको लीप बोलते हैं। लीप के अंदर में जो एंगल बनता है आप ऐसे करके भी दिखा सकते हैं। तो इस एंगल को हम क्या बोलते हैं, उस एंगल को हम बोलते हैं पॉइंट एंगल। ठीक है, दोनों लीप अगर कोई पॉइंट के ऊपर प्रोजेक्ट होता है तो उसका अंदर में जो एंगल बनते हैं उसको पॉइंट एंगल बोलते हैं। एंड ड्रिल का जो एंड पॉइंट है इसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। एंड पॉइंट एंगल का जो वैल्यू है वो है 180 डिग्री फॉर माइल स्टील एंड जनरल पर्पस के लिए। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 66 में पूछा है व्हाट इज नेम मार्क्ड एज एक्स, एक्स मार्किंग जो है इस पोर्शन का नाम क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 में पूछा है एक्स मार्किंग जिधर जिसके ऊपर है इस पोर्शन का नाम क्या है। तो इस पोर्शन का नाम है ड्रिल चाक। क्या है, ड्रिल चाक। एंड ये जो ड्रिल चाक है एक कौन सा टाइप का ड्रिल बिट को होल्ड करने के लिए इस्तेमाल होता है, तो ड्रिल चाक जो है फ्रेंड्स वो स्ट्रेट शैंक, अगर कोई स्ट्रेट शैंक ड्रिल बिट है तो उसको होल्ड करने के लिए इस्तेमाल होता है चाक। ठीक है, एंड अगर आपका कोई जॉब है टेपर, आपका अगर जॉब नहीं, आपका अगर ड्रिल शैंक जो है वो अगर टेपर है तो तब आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा स्लीवी एंड सॉकेट। ड्रिल स्लीवी एंड सॉकेट, ठीक है, टेपर शैंक इस्तेमाल करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा ड्रिल। ठीक है, तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67 में पूछा है व्हाट इज द माइनर डायमीटर ऑफ द थ्रेड, what is the minor diameter of the thread। तो minor diameter of the thread क्या होगा। ठीक है, तो देखिए what is the minor diameter of the thread, ये आपको क्वेश्चन में पूछा है। तो देखिए minor diameter equals to major diameter minus 2 into depth। ठीक है,
मेजर डायमीटर माइनस टू इंटू डेप्थ होगा आपका माइनर डायमीटर। देखिए एक बार मैं आपको दिखा देता हूं, इधर से हो जाएगा ना आपका आंसर, ठीक है। तो मेजर माइनस टू इंटू डेप्थ हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। 68 में हम आएंगे, क्वेश्चन नंबर 68। अभी तक सब कुछ ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 68 में पूछा है व्हाट इज द नेम पार्ट मार्क्ड एक्स। व्हाट इज द नेम पार्ट मार्क्ड एक्स, एक्स मार्किंग जो पार्ट का है उसका नाम क्या है, ठीक है। तो देखिए इधर मैं जूम कर देता हूं, मैं काल भी बोला था, एक बार और बोल देता हूं, ठीक है। तो देखिए एक्स पोर्शन, जिस पोर्शन में मार्किंग है, इसका नाम है थिम बिल, इसका नाम है थिम बिल, ठीक है। इस पोर्शन को बोलते हैं हम बैरल, क्या बोलते हैं, बैरल, स्लीवी भी हम बोलते हैं, बैरल का जो दूसरा नाम है स्लीवी। इस पोर्शन को हम बोलते हैं फ्रेम, इस पोर्शन को हम बोलते हैं फ्रेम, इस पोर्शन को हम बोलते हैं स्पिंडल, इस पोर्शन को हम स्पिंडल बोलते हैं। इस पोर्शन का जिस जो फिक्स रहते हैं उसका हम बोलते हैं एनविल, इस पोर्शन का नेम है एनविल। एंड ए जो पोर्शन है इसको हम बोलते हैं रैचेट स्टॉक, रैचेट स्टॉप, ठीक है। ये डिफरेंट पार्ट्स है। एंड ये जो पोर्शन है इसको हम बोलते हैं लॉक नट। तो ये डिफरेंट पार्ट्स हो गया है एक माइक्रोमीटर का, ठीक है। तो एक्स मार्किंग जिस पॉइंट के ऊपर था उसका आंसर क्या हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं थिम्बिल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर हो जाएगा, इस पोर्शन को हम बोलते हैं थिम्बिल, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 69। तो एक क्वेश्चन करने के लिए पिक्चर को थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा। चलो देखो, एक रीडिंग आपके स्क्रीन के ऊपर में है, इस रीडिंग को आपको काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। एक रीडिंग आपका स्क्रीन के ऊपर में है, इस रीडिंग को आपको काउंट करना पड़ेगा। तो देखिए पहले एक क्वेश्चन को, क्वेश्चन में बोला है ये जो माइक्रोमीटर है इसका स्टार्टिंग रीडिंग है, जो जीरो रीडिंग है वो है 50 एंड जो एंड रीडिंग है वो है 75, ठीक है। तो ये जो जीरो है, जीरो का मतलब क्या है, जीरो का मतलब है इसका रीडिंग है 50, ठीक है। आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं एक 50 to 75 रेंज का माइक्रोमीटर का रेंज क्या होगा। तो जीरो रीडिंग का मतलब होगा उसका इनिशियल रीडिंग, तो इनिशियल रीडिंग होगा 50। तो 50 से आपका ये जो रीडिंग है ये स्टार्ट हुआ है, 50 के बाद आया है 10, तो इसका मतलब है 60 रेंज आया है। 60 के बाद जो सब डिविजन को क्रॉस किया है 61, 62, 63, 64, 63.5, ये जो नीचे वाला फ्रैक्शन है 0.5, ऊपर वाला जो फ्रैक्शन है वो है राउंड फिगर। तो 60 के बाद देखिए 1, 2 एंड 3, तो 3 डिवीजन एंड देखिए 1/2 डिवीजन, तो 63.5, 60 के बाद 3.5 डिवीजन इन्होंने क्रॉस किया है मेन स्केल में। तो मेन स्केल का वैल्यू आ गया है 63.5, ठीक है। उसके बाद वर्नियर स्केल का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। तो वर्नियर स्केल का वैल्यू निकालने के लिए देखिए पिक्चर का मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। तो देखिए वर्नियर स्केल को निकालने के लिए, तो वर्नियर स्केल में कितना जो स्केल है वो मेन स्केल से कोइंसाइड हुआ है, 10 के बाद 11, 12 एंड 13 नंबर स्केल वो जो है कोइंसाइड हुआ है।
तो देखिए ये भार्नियर जो भार्नियर नहीं सर्कुलर स्केल, सॉरी भार्नियर नहीं सर्कुलर स्केल, तो सर्कुलर स्केल का 13 डिवीजन जो है वो मेन स्केल के साथ कोइंसाइड हुआ है, एंड जो सर्कुलर स्केल है उसका एक डिवीजन का वैल्यू है 0.01, तो 63.5 प्लस 13 इंटू 0.01, तो इसको समेशन करने के बाद आपको जो आंसर आएगा वो है 63.5 प्लस 0.13, तो 63.63 ए हो जाएगा आपका आंसर एंड एमएम में, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70 में पूछा है व्हाट इज द नेम पार्ट मार्क्ड एक्स, एक्स करके जो पार्ट का मार्किंग इधर में आपको दिखने को मिलेगा, इस पार्ट का नाम क्या है, तो इस पार्ट का नाम है फाइन एडजस्टिंग स्लाइड, एंड ये जो फिगर है ये है भार्नियर हाइट गेज, भार्नियर हाइट गेज, ठीक है। एंड भार्नियर हाइट गेज का जो लीस्ट काउंट है वो है 0.02 mm, ये भी आपको नोट डाउन करना पड़ेगा, भार्नियर हाइट गेज का जो लीस्ट काउंट है वो है 0.02 mm। उसके बाद 71 वाइस के ऊपर में क्वेश्चन है, ठीक है, बेंच वाइस, देखिए व्हाट इज द नेम ऑफ द वाइस, इस वाइस जो है, ठीक है, इस ये जो वाइस आपको दिखने को मिल रहा है, ठीक है, इस वाइस का नाम नेम क्या है, तो देखिए इस वाइस का नेम है क्विक रिलीजिंग वाइस, इस वाइस का नेम है क्विक रिलीजिंग वाइस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 ए में पूछा है इस जो वाइस दिखना को मिल रहा है आपको, इसका नाम क्या है, नेम क्या है, इसका नेम है क्विक रिलीजिंग वाइस। तो क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 72 फाइल के ऊपर में एक क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एक्स, तो फाइल का जो इधर पोर्शन है, मैं कल भी आपको दिखाया था फाइल का जो इधर पोर्शन है, ये जो पोर्शन, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको हम बोलते हैं एज, एंड फाइल का जो दूसरा वाला पार्ट है उसका हम नाम भी मैं बताया था, ऊपर वाला पोर्शन को क्या बोलते हैं, फेस बोलते हैं, इस पोर्शन को क्या बोलते हैं हम, इस पोर्शन, सॉरी इधर को आप थोड़ा सा ठीक कर लीजिए, ए पोर्शन, ए, ठीक है, इस पोर्शन का हम क्या बोलते हैं, इस पोर्शन का हम हिल बोलते हैं, जो हैंडल के अंदर घुसा है उसको हम बोलते हैं टैंक, सामने वाला जो पोर्शन है उसको हम बोलते हैं टीप, ठीक है, एंड ये जो पोर्शन है इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं एज, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सेफ एज, क्योंकि इसमें आपका कोई टीथ काटा हुआ नहीं है, ठीक है, इसमें कोई टीथ काटा हुआ नहीं है, इसके लिए इसका नाम है सेफ एज, अगर इसके ऊपर ऐसे करके टीथ काटा हुआ रहता था तो इसको तब हम सेफ एज नहीं बोलते, क्योंकि सेफ एज का एक जो एज है इसमें टीथ काटा हुआ रहते हैं, दूसरा जो एज है उसमें सेफ एज रहते, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63 में पूछा है व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन, ये जो ऑपरेशन इधर में शो हो रहा है, ठीक है, इस ऑपरेशन का नेम क्या है, तो इस ऑपरेशन का नेम है चेकिंग फ्लैटनेस, इधर में फ्लैटनेस चेक हो रहा है, ठीक है। देखिए ए है, इसके हिसाब से जो ट्राई स्क्वायर है इसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हम राइट एंगल को चेक कर सकते हैं, फ्लैटनेस को हम चेक कर सकते हैं, राइट एंगल को हम मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 73 के बाद क्वेश्चन नंबर 74, क्वेश्चन नंबर 74 में पूछा है व्हिच मार्किंग मीडिया इज अप्लाइड ऑन रफ फोर्जिंग एंड कास्टिंग, ठीक है, रफ फोर्जिंग एंड कास्टिंग सरफेस के ऊपर हम कौन सा मार्किंग मीडिया जो है हम इस्तेमाल करते हैं, वो है व्हाइट वॉश। अगर आपको पूछा है कॉपर सल्फेट किस तरह कैसा मार्किंग मीडिया है, तो बहुत ही पॉइजनस मार्किंग मीडिया है। अगर आपको मशीन फिनिश सरफेस के ऊपर कोई मार्किंग मीडिया अप्लाई करना है तो तब आपका आंसर हो जाएगा प्रूशियन ब्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 में पूछा है व्हिच इज यूज्ड फॉर फिनिशिंग द रीशार्पन डिवाइडर पॉइंट, तो डिवाइडर पॉइंट को रीशार्पन करने के बाद उसको फिनिश करने के लिए आपको कौन सा इस टूल्स का इधर में आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑयल स्टोन, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑयल स्टोन। क्वेश्चन नंबर 75 हमारा हो चुका है, हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 76 के ओर। क्वेश्चन नंबर 76, हम एंगल को मेजर कर सकते हैं।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 77, क्वेश्चन नंबर 77 में पूछा है नेम द फाइल शो इन दिस फिगर। तो इधर में कौन सा फाइल का फिगर शो हो रहा है, ठीक है, इधर में आपको क्वेश्चन नंबर 77 में कौन सा फाइल का फिगर शो हो रहा है, तो इस फाइल का नाम है टिंकर्स फाइल, जो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में इस्तेमाल होता है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इस फाइल का हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 78 क्या है, क्वेश्चन नंबर 78 क्वेश्चन नंबर 78 में पूछा है व्हिच वाइस इज यूज फॉर होल्डिंग हॉलो सिलिंड्रिकल जॉब। हॉलो सिलिंड्रिकल जॉब को होल्डिंग करने के लिए कौन सा वाइस का हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, हॉलो जॉब को इस्तेमाल होल्डिंग करने के लिए हम कौन सा वाइस का इस्तेमाल करते हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा पाइप वाइस। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पाइप वाइस। क्वेश्चन नंबर 79, क्वेश्चन नंबर 79 में पूछा है व्हाट इज द पिच ऑफ द हैक्सो ब्लेड यूज्ड टू कट द कॉन्ड्यूट एंड अदर थिन ट्यूब। तो कोई थिन सेक्शन और ट्यूब, थिन सेक्शन और ट्यूब को काटने के लिए 0.8 mm पिच इस्तेमाल होता है, ठीक है, ये मैं पहले में इस बताया था आपको। क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80 में पूछा है व्हिच मेटल कटिंग सॉ इज यूज्ड फॉर कटिंग डीपर एंड प्रोफाइल। तो डिफरेंट प्रोफाइल काटने के लिए कौन सा मेटल कटिंग सॉ जो है वो इस्तेमाल होता है, उसका आंसर हो जाएगा कॉन्टूर बैंड सॉ। उसका आंसर हो जाएगा कॉन्टूर बैंड सॉ। नेक्स्ट होच्छे क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन नंबर 81 में पूछा है व्हाट इज द रीजन फॉर स्क्रैचिंग प्रोड्यूस इन द फाइल सर्विस। फाइल सर्विस में स्क्रैचिंग जो प्रोड्यूस होता है उसका वजह क्या है, फाइल सर्विस में जो स्क्रैचिंग प्रोड्यूस होता है उसका वजह क्या है, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा पिनिंग, ठीक है। पिनिंग का मतलब क्या है, फाइल का अंदर, फाइल का जो टीथ है उसमें अगर जो टीनी पार्टिकल, जो माइन्यूट पार्टिकल फाइलिंग करने के समय जो पार्टिकल प्रोड्यूस होता है, वो पार्टिकल अगर उसका अंदर क्लॉग्ड होता है तो उस इफेक्ट को हम बोलते हैं पिनिंग। जिस पिनिंग इफेक्ट को रिमूव करने के लिए हमको इस्तेमाल करना पड़ता है फाइल कार्ड, ठीक है, तो इसी के कारण फाइल के ऊपर जो है स्क्रैच वो प्रोड्यूस होता है, ठीक है। एंड ग्लेजिंग, ये जो टर्म्स है ये रिलेटेड टू ग्राइंडिंग व्हील, ग्लेजिंग ये जो टर्म है ये ग्राइंडिंग व्हील से इसका मतलब है, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज द नेम ऑफ द चिजेल, इधर में जो चिजेल शो हो रहा है तो इस चिजेल का नेम क्या है, इस चिजेल का नेम है वेब चिजेल, जिसका दूसरा नाम है पंचिंग चिजेल, जिसका दूसरा जो नेम है पंचिंग चिजेल भी हम इसको बोलते हैं। एंड देखिए इधर में जो होल आपको कॉन्टिन्यूसली दिख रहा है इसको हम बोलते हैं चेन ड्रिल, ठीक है। तो चेन ड्रिल को काटने के लिए आपको इस्तेमाल करना पड़ता है वेब चिजेल को, ठीक है, जिसको हम, जिसका दूसरा नाम है पंचिंग चिजेल। क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 83 में पूछा है व्हाई स्लाइटली कॉन्वेक्सिटी इज गिवेन ऑन द फेस ऑफ द हैमर। तो हैमर का जो फेस है उसके ऊपर स्लाइटली कॉन्वेक्सिटी हम इंटेंशनली प्रोड्यूस करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, उसका वजह क्या है, उसका वजह है टू अवॉइड द डिगिंग ऑफ द सरफेस। देखिए हमारे का जो फेस है, फेस के ऊपर हम ऐसे करके शेप रखते हैं, हम ऐसे शेप नहीं रखते हैं, तो किसका वजह क्या है, टू अवॉइड द डिगिंग ऑफ द एज, एज को डिगिंग, इस डिगिंग को रोकने के लिए हम ये करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 84, क्वेश्चन नंबर 84 नेम, व्हाट इज द नेम ऑफ द हैमर। ये जो हैमर आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन के ऊपर, इस हैमर का नेम क्या है, ठीक है, इसके बारे में क्वेश्चन आया है, इस हैमर का नेम क्या है। तो देखिए इस हैमर का जो नेम होगा, ठीक है, वो है क्रॉस पिन हैमर। क्यों क्रॉस पिन हैमर, जो ये जो पिक्चर है इसको थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ, देखिए, तो देखिए ये जो पिन है, ये पिन है ऐसे करके, हैमर का हैंडल है ऐसे करके,
तो हैमर का जो हैंडल का एक्सिस एक्सिस को क्रॉस करता है, इसके लिए इस पिन का नाम है क्रॉस पिन। अगर हैंडल का जो पिन है ऐसे करके रहता है तो तब उसको हम बोलते हैं स्ट्रेट पिन। हैमर का जो एक्सिस है, हैंडल का जो एक्सिस है, उसको ये जो पिन है हैंडल के एक्रॉस में रहते हैं, इसके लिए हम इसको बोलते हैं क्रॉस पिन हैमर, जो इस्तेमाल होता है मेटल को वन डायरेक्शन स्प्रेड करने के लिए। मान लीजिए ये आपका मेटल है, इसके ऊपर ऐसे 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 करके आपको मेटल को वन डायरेक्शन में आप स्प्रेड कर रहे हो, तो तब आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा क्रॉस पिन हैमर को। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 85। व्हाट इज द नेम ऑफ द एंगल बिटवीन द एक्सिस ऑफ द चिजल एंड द जॉब सरफेस। तो इसको समझने के लिए आपका चिजल का जो पहला जो फिगर में आपको दिखाया था उसको एक बार और दिखाना पड़ेगा। देखिए ये जो फिगर, ठीक है, ये जो फिगर, तो देखिए ये है नीचे वाला जो पोर्शन है, ये जो जॉब सरफेस, ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये है जॉब सरफेस, एंड ये जो सेंट्रल लाइन जिधर में आपको दिखाई दे रहा है ये है चिजल का एक्सिस। तो ये दोनों का बीच का जो एंगल है इसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। ठीक है, हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। तो आप देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन आपको पूछा है। देखिए पूछा है व्हाट इज द नेम एंगल बिटवीन द एक्सिस ऑफ द चिजल एंड द जॉब सरफेस। तो जॉब सरफेस एंड चिजल का एक्सिस का अंदर जो एंगल बनता है जिसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। ठीक है, उसके बाद देखिए एक और भी क्वेश्चन मैं आपको इधर से क्लियर कर देता हूँ। क्लियरेंस एंगल है क्या? क्लियरेंस एंगल है चिजल का बॉटम सरफेस एंड जॉब का टॉप सरफेस का अंदर जो एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं क्लियरेंस एंगल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 86 में पूछा है व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल दैट परमिट्स नो परमानेंट डिस्टॉर्शन बिफोर ब्रेकिंग। ब्रेकिंग के पहले मेटल का परमानेंट डिस्टॉर्शन नहीं होता है, कौन सा प्रॉपर्टी, कौन सा मेटल के अंदर जो क्षमता है उसके लिए। ठीक है, तो देखिए ब्रेकिंग के पहले मेटल का अगर कोई परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं है तो उस प्रॉपर्टी का हम बोलते हैं ब्रिटिलनेस। ठीक है, अगर मेटल को ब्रेकिंग के पहले परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है तो तब उस प्रॉपर्टी का हम बोलते हैं डक्टिलिटी। ठीक है, एंड ये जो ब्रिटिलनेस है, ब्रिटिलनेस का रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, बिल्कुल विपरीत जो प्रॉपर्टी है वो है डक्टिलिटी। मेटल का डक्टिलिटी इंक्रीज होने से ब्रिटिलनेस घट जाएगा, ब्रिटिलनेस इंक्रीज होने से डक्टिलिटी जो है घट जाएगा। ठीक है, डक्टिलिटी के हेल्प से मेटल को हम ड्रॉ करके मेटल को हम वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, मेटल को वायर में कन्वर्ट करने के लिए ड्रॉइंग डाउन ऑपरेशन के माध्यम से हम मेटल को वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 87 में पूछा है नेम द पार्ट मार्क्ड एक्स इन द माइक्रोमीटर। ये जो माइक्रोमीटर है, माइक्रोमीटर का एक्स पोर्शन में जो लगा हुआ है, जो इंडिकेट कर रहा है, उसका नेम क्या है? तो देखिए इसका नेम क्या है, इसका नेम है लॉक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 88 में पूछा है व्हाई द हैंड टैप्स आर चैम्फर्ड एट द लीड। हैंड टैप का जो लीड पोर्शन है उसमें चैम्फर क्यों रहते हैं? ठीक है, उसमें चैम्फर्ड क्यों रहते हैं? ठीक है, इसका व्हाई हैंड टैप्स चैम्फर्ड एट द लीड। हैंड टैप जो है उसका टैप्स जो है, हैंड टैप्स जो है उसमें चैम्फर्ड लीड क्यों रहते हैं? उसका वजह क्या है? उसका वजह है अलाइनिंग के लिए। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 89 में पूछा है व्हाट इज द नेम ऑफ द ड्रिलिंग मशीन। ये जो ड्रिलिंग मशीन है, इस ड्रिलिंग मशीन का नेम क्या है? तो ये एक पिलर टाइप ड्रिलिंग मशीन है। ठीक है, एक पिलर टाइप ड्रिलिंग मशीन है, तो इसका आंसर हो जाएगा पिलर ड्रिलिंग मशीन। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा पिलर ड्रिलिंग मशीन। उसके बाद
क्वेश्चन नंबर 90। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 90 में एक रीडिंग के ऊपर एक क्वेश्चन आया है, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ द आउटसाइड माइक्रोमीटर, ये जो ब्रिटिश माइक्रोमीटर है इसका रीडिंग आप बताओ। ठीक है, तो देखिए ये जो ब्रिटिश माइक्रोमीटर है इसका मैं एक पॉइंट बताऊंगा आपको, ये नोट डाउन करना है। ईच मेन स्केल, ठीक है, ईच मेन स्केल डिविजन, मेन स्केल डिविजन का वैल्यू है 0.1। ईच सब डिविजन है, सब डिविजन, सब डिविजन का वैल्यू है 0.025, ये सभी इंच में है, हाँ इंच में है। एंड जो थिम्बिल डिविजन है, ईच थिम्बिल डिविजन का वैल्यू क्या है, 0.001 इंच। तो अभी इस पिक्चर को थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, तो देखिए इधर में जो मेन डिविजन जो क्रॉस किया है वो 3 मेन डिविजन क्रॉस किया है, उसके बाद कितना सब डिविजन क्रॉस किया है, एक वन, इधर में एक और 2 सब डिविजन क्रॉस किया है, एंड 9 जो है थिम्बिल डिविजन क्रॉस किया है। तो इसको हम समेशन करेंगे, तो मेन स्केल डिविजन क्रॉस किया है 3, सब डिविजन क्रॉस किया है 2, एंड थिम्बिल डिविजन क्रॉस किया है 9। तो 3 से आपको मल्टीप्लाई करना है 0.1, तो आपको आंसर आ जाएगा 0.3। 2 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 0.025 को, तो आपका आंसर हो जाएगा 0.050, एंड 9 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 0.001, तो आपका आंसर आ जाएगा 009। तो कुल मिला के आपको कितना आंसर आ रहा है, 359। तो 359 जो है आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, जो समझा नहीं तो उसको मैं बोलूँगा वीडियो एंड होने के बाद, इस पोर्शन को एक बार और देख लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 91, क्वेश्चन नंबर 91 में पूछा है व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ द वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। तो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर एक का एक्यूरेसी, एक्यूरेसी का मतलब क्या है, एक्यूरेसी के मतलब है उस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से हम कितना शॉर्टेस्ट मेजरमेंट हम ले सकते हैं। ठीक है, तो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर जो है उसके हेल्प से हम जो मिनिमम मेजरमेंट ले सकते हैं वो 5 मिनट्स। ठीक है, तो मेंस के देखिए इधर में मैं एक रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। ये जो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के है इसका लीस्ट काउंट निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है, 2 मेन स्केल डिविजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिविजन। 2 मेन स्केल डिविजन का मतलब क्या है, 2 डिग्री का मतलब क्या है, 120 मिनट। उसके बाद 1 वर्नियर स्केल डिविजन का वैल्यू है 1 डिग्री 15 मिनट, तो 1 डिग्री का मतलब है 60 मिनट प्लस 55 मिनट, कुल मिला के होगा 115 मिनट। तो 120 मिनट से 150 मिनट घटा के आएगा 5 मिनट्स, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 मिनट्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 92, क्वेश्चन नंबर 92 रीडिंग के ऊपर में एक क्वेश्चन है, तो पहले रीडिंग को आप देख लीजिए। तो देखिए ये जो रीडिंग आपके सामने में है, स्क्रीन में है, देखिए इस रीडिंग का वैल्यू क्या है ये बताना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए इधर में सभी घर का जो डिस्टेंस है, इधर में सभी घर का डिस्टेंस है 4 से लेके 5 तक 10 mm, 5 से लेके 6 तक 10 mm, 6 से लेके 7 तक 10 mm। ठीक है, तो इधर में देखिए 30 था, 30 उसके बाद आया है 3 था, 3 के बाद है 4, तो 3 मतलब है 30, 4 मतलब है 40, तो 3 से लेके 4 तक है 30 से लेके 40 तक डिवीजन। ठीक है, तो देखिए इस सब डिवीजन 5-5 गैप के अंदर है, तो 30 के बाद ए जो डिवीजन शो हो रहा है ये होगा 35। ठीक है, ये बात आप पहले क्लियर कर लीजिए। तो 35 को क्रॉस किया है लेकिन 36 को टच नहीं किया है, तो आपको देखना पड़ेगा वर्नियर स्केल मेन स्केल के साथ कौन सा स्केल कोइंसाइड हुआ है। तो पहले इधर में आपको 35 मिल गया है, उसके बाद वर्नियर स्केल के 25 डिविजन जो है वो मेन स्केल से कोइंसाइड हुआ है, तो 25 इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वर्नियर स्केल का, ईच वर्नियर स्केल का वैल्यू है 0.02, तो 35 प्लस 25 इंटू 0.02 इसका आंसर हो जाएगा 0.50, तो 30.50 हो जाएगा आपका टोटल रीडिंग वैल्यू जो इमेज आपको इधर में शो हो रहा है। ठीक है, उसके बाद
क्वेश्चन नंबर, देखिए आपका वर्नियर कैलिपर माइक्रोमीटर इसके रीडिंग लेने के लिए अगर आपको तकलीफ हो रहा है तो आप कमेंट कीजिए, कमेंट ज़्यादा आएगा तो इसके ऊपर मैं वीडियो बना के मैं डाल दूंगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 93 में पूछा है, व्हाई सरफेस प्लेट आर मेड ऑफ स्ट्रेस रिलीव गुड क्वालिटी स्टील, सरफेस क्वालिटी कास्ट आयरन। ठीक है, सरफेस प्लेट जो है वो गुड क्वालिटी स्ट्रेस फ्री कास्ट आयरन से क्यों मैन्युफैक्चर होता है, ये आपको क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टू प्रिवेंट डिस्टोर्शन, डिस्टोर्शन को प्रिवेंट करने के लिए ये गुड क्वालिटी कास्ट आयरन से मैन्युफैक्चर होता है। लेकिन मैं दूसरा पॉइंट भी आपको नोट डाउन कराऊंगा, वो क्या है, सरफेस प्लेट ग्रेनाइट से भी मैन्युफैक्चर होता है। ठीक है, सरफेस प्लेट ग्रेनाइट से भी मैन्युफैक्चर होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 94 में पूछा है, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक, तो एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक जो है इसका मेन एडवांटेज क्या है, टू सेट डिफरेंट हाइट, डिफरेंट हाइट में इसको हम सेट कर सकेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 95 में पूछा है, व्हिच पार्ट ऑफ द यूनिवर्सल सरफेस गेज इज यूज टू सेट स्क्राइबर एट रिक्वायर्ड पोजिशन एग्जैक्टली, यूनिवर्सल साइज सरफेस गेज जो है उसमें जो स्क्राइबर होता है, स्क्राइबर को जो पोजीशन है उसका जो सटीक जो पोजीशन है उसको फिक्स्ड करने के लिए हम किसको इस्तेमाल करते हैं, फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू जो है उसको हम उसको हेल्प से जो स्क्राइबर है स्क्राइबर को हम सही पोजीशन में हम फिक्स कर सकेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 95 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 96 में क्या पूछा है, 96 में पूछा है, कन्वर्ट 1 मीटर इंटू मिलीमीटर, तो 1 मीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए इधर में बोला है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 मिलीमीटर का मतलब है 1000 मिलीमीटर, या आप लिख सकते हैं 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 97 में पूछा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द वी ब्लॉक, तो वी ब्लॉक का इधर में पिक्चर नहीं है, मिसिंग है। ठीक है, तो वी ब्लॉक का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, सिंगल लेवल, देखिए इसका आंसर हो जाएगा सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप वी ब्लॉक, इसका पिक्चर जो है मिसिंग है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 98 में पूछा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एक्स, तो ये जो एक्स पोर्शन से मार्किंग है इस पोर्शन का नाम क्या है, इस पोर्शन का नेम क्या है, तो इस पोर्शन का नेम है क्लैंप नॉट। ठीक है, इस पोर्शन का नेम है क्लैंप नॉट। क्वेश्चन नंबर 98 व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एक्स, तो देखिए इस पोर्शन का आंसर हो जाएगा स्क्राइबर क्लैंपिंग नॉट। नीचे पिक्चर को थोड़ा सा इस पोर्शन का नेम क्या हो जाएगा, स्क्राइबर, सही आंसर हो जाएगा स्क्राइबर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 99 में पूछा है, व्हिच कैलिपर इज यूज्ड टू फाइंड द सेंटर ऑफ द राउंड बार, तो राउंड बार का सेंटर को लोकेट करने के लिए कौन सा कैलिपर इस्तेमाल होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा जेनी कैलिपर। बहुत बार मैं आपको क्वेश्चन समझा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 100, व्हाट इज द नेम ऑफ द एंगल मार्क्ड ए इन द चिजेल, ए का मतलब है अल्फा। ठीक है, तो इसको जूम कर लेते हैं, इधर में ए का मतलब है अल्फा। ठीक है, इसको अल्फा अल्फा बोलना पड़ेगा, तो अल्फा जो है ये नीचे वाला पोर्शन, इसको हम बोलते हैं क्लियरेंस एंगल। बीटा जो है इसी को हम बोलते हैं क्या, बीटा को बोलते हैं हम पॉइंट एंगल। एंड ए जो गामा है, गामा का मतलब है रेक एंगल, इसको आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। तो देखिए आज का ये जो क्लास है 100 तक कवर हो चुका है, तो आगे ऐसे सपोर्ट आपके तरफ से मिलेगा, तो SSTSC की तरफ से भी क्लास आपको ऐसे करके मिलते रहेगा। ठीक है, तो आप क्लास को रेगुलर बेसिस से कीजिए,
एंड फ्रेंड्स के अंदर भी शेयर कीजिए अगर ये आपको हेल्पफुल हो रहा है। ठीक है, कोई भी कुछ कमेंट है तो बताइए। हम क्लास का एकदम एंड में आ चुका हूँ। तो हमको लगता है सभी ने अच्छा करके क्लास किया है। ठीक है, तो बेस्ट विशेस मेरे तरफ से। आप ऐसे करके प्रिपरेशन लीजिए। ठीक है, SSTSC का मदद हमेशा रहेगा आपके साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।